हेलो फ्रेंड्स पोना क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपण मान स्वागत आपण मानी मु चिलिकार सायंतन दृश्यर पार्ट टू भाग दुई नहीं आसी वर्तमान पूर्वर आम कवि परिचय जानी कवितार तीन पद पाठ करते परवर्ती कविता पाठ करवा पूर्व जदि आप चैनल पंडा क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मोर अनुरोध आपण मैंने करनी अनेक पाठ साहित्य इतिहास भूगोल अंक इंग्लीश आम जाना तेणु आसतु वर्तमान आम पद्यटी पाठ करवा कंठु कवि सूर्य गीतामृत दुर्बहियाणे चिलिका मरुत उल्लास आत्मा प्राय गीत तान ह्रद नील बक्षे करे अधिष्ठान हसंती चौदिगे हसंती चौदिगे मधुर हसीनी दिगंगना जोस्ना दुकुल वासिनी भावांतर पुणी क्षण करी जात गोलाणी तो गोला कथारे संगात संगीत आवेशे नाना रूपे मन अतीन्द्रिय देशे करे विचरण चली जाए सुने सुने के उस्ताने किलुड़ी बासे सही ता तो जाने कि जानी लुकी लुड़ी बासे सही तो न जाने। धन्यवाद। तेणु वर्तमान आमे जो पढ़िले कविताटी ए कवितार वर्तमान जो तार अर्थ तार जो मर्म तार जो गूढ़तत्व आमे से विषय जानिबा दरकार न जानिले आमे किछि करि परबा नै माने बुझि परबा नै सरल अर्थ लेखि परबा नै ए तेणु कंठु कवि सूर्य गीतामृत जो किए कवि सूर्य ना कवि सूर्य बलदेव रथ कवि सूर्य बलदेव रथ जो गीत कंठरु भासुची जमी मुझे पद्यटे बुलिली मो कंठ तुम्हें तुम कंठ मत तुम स्वर सुंदर हम अनेक स्वर आम स्वर टे भल ना तेणु चेष्टा कली कि जी तुम्हें बहुत सुंदर स्वर झील छुआ मान बहुत सुंदर स्वर हुए तुम्हें भी बुली पार तेणु से कवि सूर्य बलदेव रथर जो गीतामृत जो गीत जो झुमर सी कौन हो कंठर भासी आसूँ दूर बहिआणे चिलिका मारुत तेणु चिलिकार जो मारुत चिलिका मारुत मारुत मान किए पवन चिलिकार पवन से गीत को दूर को दूर को दूर को दूर को बही आणुच तुम ये शब्द को जो पवन दौ से उड़े नब तेणु यही गीत को चिलिकार मारुत मान पवन दूर बही आणुच बहुत दूर को उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान से उल्लासर जो आत्मा लहरी मान उठू गीतर जो तान रागिणी स्वर तान बढ़ देख गीतर तान नहने मृदुंग तबला हारमोनियम ये सब चलोनी तान चलो ताल चलो ह्रद नील बक्षे करे अधिष्ठान हाँ ह्रद नील मध्य करे अधिष्ठान तेणु से ह्रद जल रंग कौन नील तेणु ह्रद जो जल रंग नील बक्षर से अधिष्ठान करापर हसंती चौदुगे मधुर हासिनी चौदुगे मधुर हासिनी कौन करुंती हसुचंती मधुर हासिनी किए रे हसंती चौदुगे मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्ना दुकुल वासिनी तेणु दुकुल हूँ पाठवस्त्र दुकुल मैंने पाठवस्त्र दिगंगना हूँ दिगबधु से कौन करुंती
ना हसुचंती चतुर्दिगर से सब चिलिकार जो संध्याकालीन सायतन छवि देखि से हसुचंती हसंती चौदगे दिगंगना जो सुना दुकुल बासिनी ताने दुकुल माने पाटवस्त्र दिगबोध माने विभिन्न प्रकार पाटवस्त्र पिंधि नील रंगर पाटवस्त्र पिंधि अधिष्ठान करी से माने हसुचंती ता सहित हंस हंसाराली माने माने उड़ी जाउचंती भासी बुलुचंती भावांतर पुणि क्षण करे जात पुणि क्षण क्षण के भावांतर जात करुचि महोल्लास माने उल्लास रे महा आनंद रे अधिष्ठान माने अवस्थिति अधिष्ठान करती माने अवस्थित करुचंती आवेश माने आवेश माने कौन विहूल भाव विहूल हो जाए सहित भावांतर पुणी क्षण करे जात गोलाणी तो गला कथार संगात गोलाणी रे कथा गोलाणी संगत यार बहुत मर्म तुम जेजेपा जेजेमा को पचार विषय कहीं स्कूल जा सार आम आज पढ़ुले गोलाणी तो गला कथार संगात गोलाणी रे गला कथा एमती कहले कहे यार मैंने आग के माधुर्य अच्छी संगीत आवेश नाना रूप मन अतिद्रिय देशे करे विचरण संगीत आवेश नाना रूप मन ये संगीतर आवेश आवेश मान विहरे भाव विहरे से संगीत आवेश कौन कर विभिन्न रूप नाना रूप मन चंचल हो विभिन्न रूप हो जा मनटा आज ये अच्छी तो ये घर पाखर आज चिलिके ये ये तारा पाखे सूर्य पाखे जह्न पाखे कौट किसी मन चंचल हो उठी अतीन्द्रिय देश कर विचारण अतीन्द्रिय देश मान इंद्रिय मान बाहर जगत में आमर जो सब इंद्रिय पंच इंद्रिय अच्छी आम शरीर में ये इंद्रिय बाहरी जाऊँ तक कंट्रोल करपर आम पुण पा चली जाए शून्य शून्य के स्थान किलुड़ी आसे से ही ता डजाणे शून्य शून्य से कड़े चली जाऊँ भाव विवल हो जाए आम इंद्रिय मान कंट्रोल से ना जमी आम कौवा जाऊँ मुझ पढ़ी मन कौत तपर देख घर पाखे परीक्षा आसगला मन कौत मुझ पढ़ी हो पढ़ी बस पढ़ला बसला पिला अन्य पे खेलुए क्रिकेट खेलु कबाडी खेलु भली खेलु तुम ये किए मोबाइल धरीदी तुम मन टा चल मझे मझे उठी चल जाऊ तुम मन आज से बही पाखर स्थिर रही पारे ना कि पुणी गोटे गोटे पिला अच्छा खेल पाखर थे भी परीक्षा खाता मन पड़ज कौन करी परीक्षा आसलानी मुझे भल नंबर रखी सार कही भल नंबर बापा माँ मन खुशी करी बापा माँ कहते देखिए से खेल छाड़ देखिए सब चल खेल समय खेलिए अगर टाइम न खेली से फांगे सांगे आस बही गोड़ हाथ धोई बही खोल बस पढ़े कहीं परीक्षाटा इंपोर्टाट अच्छी परीक्षा आसगला से भाई मनटा कंट्रोल रही तुम गोटे चाहू गोटे तो आड़ पड़ो चली जाए शून्य शून्य के स्थान किलुड़ी आसे से ही तो नजाने ताने से जाने से कड़े जाऊँ कौन करस करुच्ची जना पड़े ना तापर पुणी कड़ा धन्य से ही जारो आज्ञा सिरे धरी ए लीलार चंती देवी बागेश्वरी बागेश्वरी किए रे माता सरस्वती कि लीला रचंती आम कंठरे बसंती कालिदास मूर्ख थिले कंठरे बस कालिदास रचना कले से जहाँ को विजय हेबे जहाँ कंठरे बसवे सी बहुत ज्ञानी गुणी हो जीव तेना से कथा से कवि कहते राधानाथ राय कहते धन्य से ही जहाँ आज्ञा शिरे धरी जार आज्ञा को ये शिविर मैंने मस्तक मुझे धरिकी शिविर मैंने मथा पतिची जार आशीर्वाद अच्छी एलीला रचंती देवी बागेश्वरी माँ सरस्वती कौन करा यही लीला को रचना करगेश्वरी बाक युक्त ईश्वरी बाक युक्त बाक मान कथा ईश्वरी मान सरस्वती महासरस्वती बागेश्वरी मैंने बाक युक्त ईश्वरी हूँ सरस्वती तेणु तापर आसला धन्य रथे तुम जन्म शुभ क्षण मृत्युंजय तुम्बे उत्कल भुवनी तुम माटी द्रेह ग्रासी श्मशान मात्र जसो देह तुम्हें आयुष्मान तेणु से कहूँ कौन ना तुम माटी देह ग्रासी श्मशान धन्य रथे तुम जन्म शुभ क्षण तुम जन्म बहुत शुभ क्षण शुभ बेल तुम्हें धन्य
ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ଏଇ ଉତ୍କଳର ଉତ୍କଳ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ତୁମର ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ମରିଗଲା ପରେ ବି ଆମେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ହଉ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଛି ତାଙ୍କୁ। ଲୋକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରିଗଲେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆମର ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମହାନ ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଆଧୁନିକତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଳୟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କ୍ଷଣିକ ଉନ୍ମାଦନାରେ ଉନ୍ମାଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ନ ହୋଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ ବୀର ଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଯେଉଁ କବି ଥିଲେ, ଆମେ ସେହିପରି ଆମେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆଗେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ମରା ମରାରୁ ରାମ ରାମ ହେଇପାରିଲା ବାଲ୍ମୀକି, ରାମାୟଣ ଲେଖିପାରିଲେ, ଆମର କାହିଁକି ଆମେ କାହିଁ ହେଇପାରିବାନି? ପାଠ ହେଉନି, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଆଜି ହେଇଟି କାଲି କି ହେବ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଉଚିତ, ଆମର ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଉଚିତ, ଆମର ମାନସିକତା ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏହି କବିତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା କବିତାଟି ପାଠ କରିଦେଇ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପଣ୍ଡା କ୍ଲାସେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କରିନେବା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।